हाँ तो यार कैसे, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग की लाइफ नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो, इस वीडियो में बात करने वाले एक नए ट्रेलर के बारे में जो फाइनली रिलीज हो गया, जिसका नाम होने वाला है दसरा। हाँ भाई, इस मूवी का फाइनली ट्रेलर रिलीज हो गया है, तो इसी करेंगे रिएक्शन पर इस इंट्रो के बाद। तो अगर आपको पहले बता दी इस मूवी में दिखने वाले स्टार कास्ट के बारे में, तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं नानी सर, और ये इनकी यार फर्स्ट पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जो यार साथ साथ में हिंदी में रिलीज होने वाली है। साथ में इनसे अलग कुछ और भी अच्छे एक्टर देखने को मिलने वाले हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ से। अब बात निकल के आती है पूरा ट्रेलर कैसा लगा, कितना पसंद आया, कितना मजा आया देख के। तो पहली बात, ट्रेलर में यार दो फेस चल रहे हैं, एक तो ब्रूटल के साथ में और एक थोड़ा रोमांटिक के साथ में, और दोनों ही फेस आपको पसंद आएंगे। ट्रेलर ज़्यादा लंबा नहीं है पर, और उस बीच में जो दिखाता है उससे आपका इंटरेस्ट बनता है मूवी की तरफ। जो ध्यान खींचना चाहिए था वो खींच के आता है। इसके टीजर ने अच्छी खासी हाइप बनाई थी जब वो आया था, तो और उस हाइप को ये आगे बढ़ाता है, कम नहीं करता है। मतलब यार ओवरऑल पूरा ट्रेलर निकल के आया, अगर उसको एक शब्द में बोल रहा हूँ तो ट्रेलर अच्छा है, उसको आप पसंद करोगे और गारंटी से पसंद करने वालों। सच में जैसा होना चाहिए था, और अगर जैसा आप उम्मीद लगा के बैठे हो इस मूवी से कि हाँ मूवी में थोड़ा अलग कैरेक्टर देखने को मिले नानी सर का, जो थोड़ा ब्रूटल हो, मारे धाड़े, ऐसा कुछ चीज़ें, मतलब मज़ा आ जाए देख के, तो वो चीज़ देखने को मिल रही है फिलहाल तो ट्रेलर में। और जो नानी सर का कैरेक्टर है वो भी आपको पसंद आने वाला है, कुछ अलग हटके तो ट्राई कर ही रहे हैं। और जो लुक देखने को मिला है पूरे ट्रेलर में उनका, वो लाजवाब है, उसकी आप तारीफ करोगे। खासतौर पर सबसे लास्ट वाला सीन, या फिर जिस तरीके से उनकी एंट्री होती है ट्रेलर में वो सीन, या बीच में जो उनके एक्शन फाइट सीन देखने को मिलते हैं वो सारे, मतलब मजा आएगा देख के। फिर जो उनकी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है एक्टर्स के साथ में, वो चीज़ भी यार अच्छी है। उसके बाद जो पूरा वीजियम सुनने को मिलता है पूरे ट्रेलर में, उसकी भी आप तारीफ करोगे। वीजियम थोड़ा लाउड था पर पसंद आएगा यार, इसके अभी तक कोई गाने हिट नहीं हो पाए हिंदी में, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है। अगर गाने एक दो हिट हो गए होते हिंदी में अच्छे से, तो गारंटी से यार मूवी की हाइप हिंदी में भी और ज़्यादा बन चुकी होती। पर अभी भी ठीक ठाक है, मूवी के ट्रेलर को यार लखनऊ में रिलीज़ कराया गया, जो एक अच्छी बात थी यार हिंदी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। पर आने वाले टाइम में देखते हैं यार हिंदी ऑडियंस के बीच में कितनी हाइप बनती है। पर फिलहाल के हिसाब से जो ट्रेलर निकल के आया है वो अच्छा लगा, चाहे उसमें वीजीएम हो, चाहे जो नैन सिंह का कैरेक्टर हो वो हो, या जो पूरा ट्रेलर का वाइब हो। थोड़ी यार डार्क टोन के साथ पूरी मूवी आ रही है, और उस हिसाब से जो ट्रेलर जैसा आना चाहिए था वैसा ही ट्रेलर निकल के आया है। ट्रेलर की एडिटिंग मुझे ठीक लगी, क्योंकि ज़्यादा आपको स्टोरी के बारे में आइडिया नहीं लगता है, पर थोड़ा सा पता लगा लोगे, कुछ सीन आपको पता चल जाएंगे हाँ सर ऐसे ऐसे हो सकती है मूवी की स्टोरी एक दो बार देखोगे तो। पर हाँ, इतना नहीं बोल सकते कि बहुत ही वीक एडिटिंग है या ख़राब एडिटिंग है, ठीक बोल सकते हैं उसको। प्रोडक्शन वैल्यू वाइज भी यार फिलहाल तो ट्रेलर अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है मूवी में यार पैसा अच्छा खासा लगा है और कुछ रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है। बाकी अब बात रहेगी हिंदी डब के बारे में, तो हिंदी डब यार अच्छा सुनने को मिला पूरे ट्रेलर में ही। तो फाइनली अगर एक शब्द में बोलना हो पूरे ट्रेलर के बारे में, तो ट्रेलर यार अच्छा है और अपनी मूवी की हाइप को आगे लेके जाता है। और आने वाले टाइम में देखते हैं 31 मार्च को मूवी कितना बवाल मचाती है और क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार जाओ देखो, देख लियो तो कमेंट करके बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मुझे तो पसंद आया। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो साथ में। बाकी ट्रेलर अच्छा है और इस वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर दो अगर देख लियो तो, और अपना ओपिनियन बता दो कमेंट में आके।